ये कोई नियम नहीं हो सकता, क्योंकि नियम वो जिसका पालन कर पाने का कोई उपाय हो। मन को किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता, जहां नियम बैठा है वहीं उसको तोड़ने वाला भी बैठा है, दोनों का ही अड्डा एक है। तो ये पूछना कि आगे की सोचें या ना सोचें कोई विशेष महत्व का नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो भी जवाब मिलेगा तुम उसका कुछ कर नहीं सकते। मैं कह दूं कि मत सोचो तो क्या तुम्हारा सोचना बंद हो जाएगा? तुम अधिक से अधिक इस बारे में सोचोगे कि ना सोचें। तो ये नहीं कहा जाता है कि आगे के बारे में मत सोचो, बताने वाले तुम्हें सिर्फ इतना बताते हैं कि यदि तुम आगे के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे मन की क्या दशा है। वो ये नहीं कहते कि मत सोचो। हाँ, हम अपनी नासमझी में उनकी बात का ही अर्थ निकाल लेते हैं कि देखो ये बता रहे हैं कि यदि मैं आगे की सोच रहा हूं तो मेरा मन रुग्ण है, इसका मतलब यह है कि ये कह रहे हैं कि आगे की मत सोचो। नहीं, वो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, इस बात पे सभी ध्यान दें। व्यर्थ के निष्कर्ष मत निकाल लिया करो। यदि ये कहा जाता है कि भविष्य की चिंता एक ऐसे मन को सताती है जो बड़ा संस्कारित है, रोगी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमसे कहा जा रहा है कि भविष्य की चिंता मत करो। और ये दोनों वक्तव्य बिल्कुल अलग-अलग वक्तव्य हैं। एक वक्तव्य क्या है कि भविष्य की चिंता सिर्फ अपूर्णता से ग्रस्त मन में उठती है, ये पहला वक्तव्य है। और दूसरा वक्तव्य क्या है? भविष्य की चिंता मत करो। अब अगर सतही तौर पे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पहला और दूसरा वक्तव्य एक ही है। बिल्कुल भी एक नहीं है। पहला बोध की दिशा में ले जाता है, दूसरा मात्र एक नियम देता है। पहला तुम्हें बोध की दिशा में ले जाता है और दूसरा मात्र तुम्हें नियम देता है, और नियम भी ऐसा जिसका अनुपालन हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें कितना भी कहा जाए कि भविष्य चिंता ना करो, तुम तो तुम ठहरे ना। तुमसे कह दो ना चिंता करो, ना चिंता करो, ना चिंता करो, चिंता चली जाएगी। इतनों ने तो कहा, चली गई क्या? संत पहली बात कहता है, शिक्षक दूसरी बात। पहली बात बोध की है, दूसरी मात्र शिक्षा है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमसे कहा जा रहा है कि भविष्य की चिंता ना करो, तो यदि चिंता नहीं करी तो उसका श्रेय किसको है? तुमको, तुमने नहीं करी। पहली में तुम कोई श्रेय नहीं ले सकते। पहली में तो जो घटना होगी वो सहज रूप से घटेगी कि मैं समझ गया ये क्या है, और समझने के फल स्वरूप जो होना था सो हुआ। दूसरी में तुम कह रहे हो मैंने किया, जो होना था सो हुआ नहीं, मैंने किया। अब ये अंतर सूक्ष्म है। हम बोध नहीं मांगते, हम मार्गदर्शन मांगते हैं। हम कहते हैं किस राह चलूं बता दीजिए, ऐसा करें कि ना करें। ठीक उसी तरीके से हम मांगते हैं कि ऐसा सोचें कि ना सोचें।
पूछने वाला तो अज्ञानी है ही, इसका उत्तर देने वाला और निपट अज्ञानी, लोग उत्तर भी दे देते हैं। हाँ ठीक, देखो आगे की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कैसी सलाह दे रहे हो, आगे की चिंता नहीं करनी चाहिए? देख भी नहीं रहे कि कोई भी सलाह सिर्फ उसके लिए होती है जिसे दी जा रही है। ये तो देखता है कि किसको मैंने कहा कि आगे की चिंता नहीं की जानी चाहिए, सुनने वाला कौन? पर ये प्रश्न तो सिर्फ ऐसे मन में उठता है जो जरा अंतर्मुखी हो, जो भीतर को गया हो, कि क्या इसके लिए उपयुक्त है ये? तो फिर हम क्या करें? कुछ ना करें। जो कर रहे हैं उसको ही देखें, कुछ नया और जोड़ने की जरूरत नहीं है करने में। अभी तुम भविष्य की चिंता करते हो, फिर कह दिया गया भविष्य की चिंता ना करो, तो तुम दो चिंताएं करोगे, पहली भविष्य की, दूसरी ये कि मैं भविष्य की चिंता क्यों कर रहा हूं। पहली चिंता क्या कि भविष्य में क्या होगा, और दूसरी चिंता क्या कि मुझे तो उपदेश दिया गया था कि भविष्य की चिंता मत करना, पर फिर भी मैं भविष्य की चिंता क्यों कर रहा हूं। तुम्हारी दो चिंताएं अब हो जानी है। तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, तुम पहले ही करने में आकंठ डूबे हुए हो। जो जो कर रहे हो उसी को देख लो, समझ जाओगे कि इस करने का फल क्या है, समझ जाओगे ये सारा करना कहां से आ रहा है। तुमने करने में कोई कमी छोड़ी है क्या? दिन रात कर ही रहे हो ना, कर ही रहे हो ना, तो इतनी तुम्हें क्या उकताहट है कि कुछ और बताओ कि अब क्या करें? तुम्हें कोई बीमारी है करने की? तुम कुछ ना कर रहे होते तो तुम्हें बताया जाता कि देखो अब ऐसा कर लो, करे ही तो जा रहे हो। जो करे ही जा रहे हो जरा ठहर के उसको देख लो, क्या करे जा रहा हूं। ठहर जाओ जरा सा और देख लो क्या कर रहा हूं। देखो साध्य में और सहज फल में अंतर होता है। साध्य को पाने के लिए साधना की जा सकती है, और सहज फल तो सहज रूप से उपलब्ध होता ही है, वहां पे साधना नहीं की जाती। काल से मुक्ति, स्मृतियों से, चिंताओं से मुक्ति, ये साध्य नहीं होते, ये सहज फल होते हैं एक हल्के मन के, एक साफ मन के, एक साफ मन में जहां डर नहीं है, जहां इच्छा नहीं है, जहां दौड़ नहीं है, आगे के ख्याल उठते ही नहीं, अपने आप नहीं उठते, उसको पूछने नहीं आना पड़ता कि आगे की सोचे कि ना सोचे। तुम उससे कहोगे भी कि नहीं सोचो तो सोच नहीं पाएगा, कैसे सोचेगा, ये बीमारी उसे लग ही नहीं सकती, साफ है ना वो बीमारी के प्रति,
उसके पास विरोध है, उसको नहीं लगती बीमारी। बीमार रहे रहे ये मत पूछो, शरीर का तापमान इतना रखें कि ना रखें, तुम्हारे बस में है? तुमको विषाणु लग गया है, वायरस लगा हुआ है, जितना तापमान होना होगा अब तो होगा ना। तुम स्वस्थ रहो, उसके बाद अपने आप जिंदगी से बहुत सारी चीजें गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी। मांगो मत कि ये मिल जाए वो मिल जाए, जो भी मांगोगे वो मांगना तुम्हारे दुख से, तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारे अहंकार से निकलेगा, आधा अधूरा ही तो मांगोगे ना। पति संबंध अच्छे नहीं चल रहे होंगे तो कहोगे पति का प्रेम मिल जाए, समाज की वजह से अशांत हो गए तो कहोगे मानसिक शांति मिल जाए। जिंदगी बड़ी बंधी बधी लगती होगी तो कहोगे, दफ्तर जाते होगे वहां बॉस चढ़ के बैठता होगा तो कहोगे मुक्ति की नौकरी मिल जाए। जो भी मांगोगे आधा अधूरा ही मांगोगे, ये जाने बिना मांगोगे कि प्रेम के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति के बिना आनंद नहीं मिल सकता, आनंद के बिना सरलता नहीं मिल सकती। तुम तो वो मांगोगे जिसकी तात्कालिक मांग तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा होगी, पूर्ण कभी नहीं मांगोगे ना, एक छोटा सा टुकड़ा अंश मांग लोगे। परीक्षा में सफलता मिल जाए, परीक्षा में सफलता मिल सकती है जब तक मन पे वासनाओं का कब्जा है, पर तुम मांगने क्या गए हो, मन जैसा है वैसा ही रहे, पर परीक्षा में सफलता मिल जाए, ऐसे ही मांगोगे ना, ऐसे ही मांगोगे। भविष्य की चिंता मुझे न सताए, लेकिन मेरा भविष्य चमचमाता हुआ होना चाहिए, ऐसे ही मांगोगे। तो भविष्य के प्रति महत्वाकांक्षा बनी रहे, लेकिन महत्वाकांक्षा के रहते हुए भी चिंता ना रहे, ऐसे ही मांगोगे। मूर्खतापूर्ण मांगे हैं कि नहीं है बोलो। बाकी मेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, हाँ मेरे दाम्पत्य जीवन में बहार आ जाए, ऐसे ही मांगोगे, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? और तुमसे कहा जाए तुम्हारा दाम्पत्य जीवन तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक तुमने जो व्यवसाय पकड़ रखा है तुम वो छोड़ नहीं देते, तुम कहोगे हैं ये कैसी शर्त है? क्यों नहीं, बाकी सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए। हाँ पत्नी से सुमधुर हो जाए रिश्ते, हो नहीं सकता ना, तो फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जानो कि जितनी तुम्हारी आफतें हैं वो तुम्हारे करने के ही फलस्वरूप आई हैं। कर करके इनसे मुक्ति नहीं पाओगे। सामान्य बुद्धि कहती है मैंने गिराया मैं साफ करूंगा, यही कहती है ना, अस्तित्व में ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिसने गिराया है वो सिर्फ गिरा ही सकता है, वो साफ नहीं कर सकता। तुम्हारा अहंकार है कि तुम कभी गिराओगे और कभी साफ भी कर लोगे। जिसने गिराया है वो जो भी करेगा गिराएगा। तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है, अभी गिरा दिया आगे साफ कर लेंगे। तुम यदि साफ करना जानते तो गिराया क्यों होता? पर ये बात अहंकार को बहुत बुरी लगेगी, कहेगा हम इतने छोटे हैं,
हम इतने नासमझ हैं कि हम बस गिरा ही सकते हैं। हाँ तुम ऐसे ही हो, तुमने गिराया है और अगर साफ करने निकले तो और गिराओगे। तो ये ना पूछो कि करें क्या, जो कर रहे हो उसकी निस्सारता को देखो, इतना ही करो। नया कुछ ना करो, करने से भरे हुए हो, कर रहे हो उसी को देखो, करना प्रतिपल चल रहा है। कहते हैं ना कृष्ण कि प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के जितने जीव हैं वो लगातार कर्म में ही उद्यत रहते हैं। करना क्या क्षण भर को भी रुकता है? कभी भी रुकता है क्या करना? तो मांग क्यों करते हो कि और कुछ करूंगा? कानों को ऐसा कर लो कि वो इस करने शब्द के प्रति ही एलर्जिक हो जाएं। ये सवाल न सुनो न पूछो कि क्या करें, कान ऐसे हो जाए। पर तुम्हारे किए नहीं होंगे, कानों का ऐसा हो जाना भी सहज फल है तुम्हारे थमने का। जब स्वास्थ्य होता है ना तो गालों पे गुलाबी आभा होती है। तुमने कैसे करी, तुमने कैसे करी, तुमने करी, सहज है, आ गई। लड़का स्वस्थ है और जवान हुआ तो अपने आप बब्बर शेर जैसी दाढ़ी आती है। कैसे करी? अपने आप आई ना, सहज फल है। या खेच खेच कि भाटिया तू मेरी खींच में तेरी खींच में, और भाटिया दादा ईमानदार तो अमनदीप की आ गई, इसने नहीं ठीक से खींची। ऐसे तो हुआ नहीं कुछ। शरीर स्वस्थ तो अपने आप चेहरा बिल्कुल झब्बा भर गया, हुआ ना? ऐसे ही होता है। जब मन स्वस्थ होता है तो वर्तमान ऐसा भरा भरा रहता है कि भविष्य परवाह कौन करे यार। फिक्र करना ही ऐसा लगता है वह हटाओ ना, ये जिंदगी इतनी मस्त है आगे की कौन सोचे। पर उसके लिए जिंदगी मस्त होनी चाहिए। तो ये ना पूछो कि आगे की कैसे सोचें कि ना सोचें, देखो कि जिंदगी मस्त है क्या। और यदि जिंदगी मस्त नहीं है तो मैं तुम्हें पक्का कह रहा हूं तुम्हारे करे व्यस्त नहीं है। तुमने कर करके मस्तता को व्यस्तता बनाया है। मस्त हो सकते थे, अब सिर्फ व्यस्त हो क्या करने में। आ रही बात समझ में?